35 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में जो भयानक हादसा हुआ, उसके बाद अब पूरा बॉलीवुड, पूरा देश गुस्से में है। आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे बॉलीवुड का इस कांड पर गुस्सा फूटा है, कैसे बॉलीवुड देश की दूसरी निर्भया के लिए इंसाफ मांग रहा है। बॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा आलिया भट्ट ने अपने सोशल नेटवर्किंग अकाउंट पर एक नोट शेयर किया और लिखा, एक और दिन और एक और रियलाइजेशन कि महिलाएं कहीं पर भी सेफ नहीं है। निर्भया कांड को हुए 10 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। इसके बाद आलिया भट्ट ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ स्टैटिस्टिक्स अपने सोशल नेटवर्किंग अकाउंट पर शेयर किए। आलिया की तरह एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने भी इस कांड के खिलाफ आवाज उठाई। परिणीति ने लिखा, ये पढ़ने में भी बेहद मुश्किल है, सोचो उसके ऊपर क्या बीती होगी। Disgusting, horrific. Hang him by the. एक्टर आयुष्मान खुराना ने अपने सोशल नेटवर्किंग अकाउंट पर एक पोयम शेयर की। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती, झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुना है सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ, सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती, मेरी माँ ना खोती उसकी आंखों का मोती, काश मैं भी लड़का होती। 36 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वहशीपन से साक्षात्कार हुआ, काश उन पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन की कोमलता होती, काश मैं ही लड़का होती। कहते हैं CCTV नहीं था, होता भी तो क्या होता, एक पुरुष सुरक्षाकर्मी जो उस पर नजर रखता, उसकी नजर भी कितनी पाक होती, काश मैं एक लड़का होती। अगर मैं एक लड़का होती, शायद आज मैं जिंदा होती। तो वहीं ऋचा चड्ढा ने सरकार से फेयर और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन की गुहार लगाई। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी इस मामले में CBI इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की। इसी तरीके से बॉलीवुड इस कांड पर आग बबूला हो रहा है। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।